हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ भी होंगे सब लोग ठीक ठाक होंगे। और भाई सुबह हो चुकी है, सुबह होने के साथ अपना काम धाम स्टार्ट करके आज सुबह ही भाई ड्यूटी है। अभी 10:30 बजे अभी मैडम को लेके जाना है। मैं अभी खाना पीना क्या नवी नाश्ता वगैरह करके अभी बस नहा धो के बस रेडी हूँ। एक फौजी की तरह जो होती है ना भाई, फौजी कि बस रेडी रहो, जब बुलावा आ जाए तुरंत भाई गाड़ी में बैठो चल दो। तो वही वाला हम लोगों का यहाँ ड्राइवरों को भाई वही हाल होता है। अभी रेडी हूँ, बस अभी बस निकलने वाला हूँ मैं भी अभी चल के, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही ना, 5-10 मिनट पहले भाई गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती। तो अभी चलता हूँ भाई, पहले गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, इंतजार करता हूँ, देखता हूँ मैडम कितने बजे तक निकलती है। भाई अभी ड्यूटी से आ रहा था मैडम को छोड़ के, और धूप देख रहे हो कितनी खतरनाक हो रही है भाई। टेम्परेचर इस टाइम पे 44 का टेम्परेचर चेक करें आप, 44 का। और लेक्सस चलाने का अपना अलग ही मजा है भाई, ये भी बहुत ही खतरनाक गाड़ी यार। लेक्सस की ना भी सस्पेंशन इसके भी बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज़बरदस्त सस्पेंशन है भाई इसका, देख रहे हो। मतलब ये ऊंची गाड़ी है ना, इसका चलाने का अपना अलग ही मज़ा होता है। तभी वर्कशॉप से आ रहा हूँ भाई, वो अभी वर्कशॉप से कर रहा, अभी मैडम को छोड़ के आ रहा हूँ। गाड़ी का अभी कुछ पता नहीं है, BM का क्या होता है क्या नहीं होता। अभी फ़ोन किया था, कह रहा था अभी बैटरी शाम तक कहीं चेंज होगी क्या होगा, अभी कुछ पता नहीं है। अभी चल रहा था भाई रूम पे छोड़ के। अभी 4 बजे क्या बोलते हैं वहाँ BM वाला बोल रहा था 4 बजे, लेकिन 4 बजे तक तो अपने पास टाइम नहीं रहेगा। देखते हैं, अगर टाइम मिला तब जाएंगे लेके आएंगे, नहीं तो फिर बाद में देखेंगे, नहीं तो बंदा खुद ही बोल दूंगा छोड़ ही आएगा। तो भाई इसका इस गाड़ी का अपना ही अलग मज़ा है यार, अपना ही बताता रहा हूँ। आय हाय हाय, लेक्सस यही वाली है जो ब्लैक वाली है, लेक्सस खड़ी है ना ये ब्लैक वाली, यही वाली सेम यही मॉडल है लेक्सस का, ये वाली बस बहुत ही ज़बरदस्त भाई। लेक्सस और लैंड क्रूजर यहाँ पे बहुत चलती भाई, लैंड क्रूजर या निशान की पेट्रोल ये जो खड़ी है ये वाली वाइट के बगल में, ये भी बहुत चलती यहाँ पे। ये गाड़ी सेफ गाड़ी है, बताता रहा हूँ, सेफ गाड़ी है भाई। अब चल रहा हूँ भाई, आ गया अपने रूम पे, यही पास में ही छोड़ना था। और 11:30 बजे मैडम ने बोला था निकलेंगे, तो मैं भी भाई सुबह उठा, हाथ मुँह धुला, गाड़ी वाड़ी अपना साफ सूफ करके रेडी, खाना पीना बना उन्हों के सबको रेडी था। रेडी रहो आधे घंटे पहले, 2 घंटे पहले रेडी, जैसे फ़ोन आ जाए तुरंत भाई गाड़ी में बैठो, उसके बाद सीधा चल दो। तो ये है यहाँ का हिसाब किताब। तो अभी चल रहा हूँ रूम पे, रूम पे गाड़ी खड़ी करता हूँ, उसके बाद अभी मार्केट से चल के अभी थोड़ा सामान लेना है अपने लिए, खाने पीने के लिए भी सामान ख़त्म है। तो अभी चल के सामान लेकर आता हूँ, फिर उसके बाद में बाकी काम देखेंगे। तो मेरे भाई अभी मैं ड्यूटी पे आया हूँ, अभी मैडम की लड़की को लेके गया था वहाँ, जिमनास्टिक लेके गया था, यहाँ पे एक जिमनास्टिक है वहाँ पे मैडम के साथ में। तो वहाँ से अब आया हूँ वहाँ मैडम की लड़की के उसके भाई के घर पे, मैडम के भाई के घर पे छोड़ के। अभी भी भाई ड्यूटी चल रही है, अब ड्यूटी पे यहाँ पे लेके आया हूँ। एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है, इधर बहुत सारे रेस्टोरेंट, डाजोन नाम से है, तकासूसी वाले रोड पे। अब यहाँ पे हूँ और आज खांसी बहुत आ रही है। अब मेन मसला ये है कि यहाँ पार्किंग में भाई इंतज़ार करना पड़ता है। अब यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ, देखता हूँ मैडम कितने बजे तक भाई निकलती है। तो यहाँ इंतज़ार भाई करना पड़ता है, यहाँ पे आदत डालनी पड़ती है ड्राइवर के काम में अगर हो ना, तो इंतज़ार भाई करना पड़ता है। तभी बताता रहा हूँ, आज सुबह से मेरे भाई अभी सुबह वहाँ गया, अब सुबह ठीक थी BMW, अब देखता हूँ भाई इतनी टाइम कब आती है, उसकी खाली बैटरी चेंज होनी है। अब हो सकता है शाम तक आ जाए वो लड़का चेंज करके चला जाए। तभी भाई देखता हूँ ड्यूटी कितने बजे, अभी सब लोग 11:30 बजे उस टाइम पे सुबह गया था मैडम को लेके, आज क्या आया, फिर उसके बाद फिर सामान लाने गया, फिर चला हूँ भाई। तो ड्यूटी ऐसे ही होती है। अब देखता हूँ भाई कितने बजे तक रूम पे जाते हैं, देखते हैं। अभी सामने एक ब्लैक ऑडी खड़ी मेरे भाई, और ये ऑडी 8A8L है, और इसमें एक ड्राइवर है सुडानी। तो कम से कम यहाँ पे एक वो घंटा से बेचारा इंतज़ार कर रहा है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम हो गया इसको, जब जा रहा था तभी से गाड़ी लेके खड़ा हुआ है। और ये बंदा देख लो गाड़ी बंद करके, भाई इनके क्या होता है ना भाई, ये लोग गाड़ी धूप में ना कहीं भी हो तो कहते हैं गाड़ी बंद कर दो, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं करना। तो बेचारा देख लो दरवाज़ा खोल के वहाँ पर बैठा हुआ है, इतनी देर से मैं देख रहा हूँ इस बंदे ने भाई दरवाज़ा खोलो, वो भी पूरा तोप सोप जो सऊदी लिबास होता है इतना मोटा मोटा, उसमें तो और मेरे भाई गर्मी लगती है। तो बेचारा देख रहे हो उसका दरवाज़ा खुला पड़ा है। तो यहाँ भाई ऐसे ये भी हाल होता है। तो अभी ये अपने ऊपर मैं तो कहो स्टार्ट भाई, मुझे भी ऐसे नहीं देख लेना, तो बोले गाड़ी क्यों स्टार्ट कर रखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई किसी ने बोला नहीं, ये अपने ने स्टार्ट कर रखी, लेकिन भाई अगर देखे तो बोल भी सकते हैं लोग। तो ये हाल होता है भाई यहाँ पे। वो बंदा देख रहे हो गर्मी में मेरे भाई इंतज़ार कर रहा है, दरवाज़ा खोल के बेचारा बैठा हुआ है, क्योंकि इतनी गर्मी है गाड़ी के अंदर वह कहाँ बैठ सकता है। तो ये हाल होता है भाई, ऐसी कंडीशन होती है यहाँ पे, देख लो ये।
देख रहे हो इसका पीछे पूरा मतलब बहुत ही खतरनाक बनी हुई। तो अभी देखते हैं भाई कितने बजे यहाँ से छुट्टी मिलती है। अभी तो देखते हैं, अभी तो ये तो कहो खाना पीना खा के पहले ही, क्योंकि मुझे पता था ना टाइमिंग ये तो है। कोई कोई होता है भाई बता देता है कि हम फला टाइम पे निकलेंगे, तो इससे क्या होता है बंदे अपना अलर्ट रहते भाई खाना पीना खा के। कोई होते भाई बताते नहीं है, कभी भी जब फोन मर्जी आया तब फोन मिला दिया, हाँ भाई गाड़ी स्टार्ट करूँ। तो ये है खाना पीना खा के मैं पहले अलर्ट था, अब यहाँ पे वो इंतजार कर रहा हूँ, देखता हूँ यार कितने बजे जाते हैं। अभी धूप इतनी है जैसे लग रहा है अभी दिन ही निकल रहा है, इतनी धूप है यहाँ पे भाई। तो ये है भाई लेक्सस का इंटीरियर, ये देख रहे हो इसका भी इंटीरियर बहुत ही ज़बरदस्त है इंटीरियर। और ये है अपनी लेक्सस, ये भी है कपिल के पास में। और ये है इसका पीछे का, और ये रहा इसका आगे का सीन। यहाँ भी पार्किंग में भाई लगा रखा है, सामने स्कूल है, ये बच्चों का केयरिंग सेंटर। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ये स्कूल में ऐसे ही है, यहाँ पे बने होते हैं, इसी स्कूल में लाके छोड़ जाते हैं जो सीखने की उसमें होते हैं। ये लेक्सस है भाई 570 LX, देख रहे हो क्या खतरनाक इसका इंटीरियर है। ये देखो इसका ऑटोमेटिक भाई, इतने सारे सिस्टम है, इतना मुझे भी नहीं पता इसमें क्या क्या है, क्योंकि इसे हमेशा चलाता नहीं हूँ ना, कभी कदार चलाने को मिलती है। जब कभी वो गाड़ी में दिक्कत हो जाए तभी इसको लेके निकलता हूँ। तो ये है, ये तकस उसी रोड पे है द जोन। ये सामने ये बिल्डिंग देख रहे हो, ये वाली ये बिल्डिंग यहाँ पे बहुत मशहूर है, अभी बनी रही पता नहीं कितने साल से बन रही है, वो ऐसे लगता है जैसे हाथ से पकड़ मोड़ दी हो। तो यहाँ पे भाई इंतजार कर रहे हैं अभी द जोन में, देखते हैं कितने बजे तक कैसे क्या सीन है। यहाँ देख रहे हो धूप इतनी तेज है अभी भी भाई, धूप इतनी तेज है मैं क्या बताऊँ, बहुत तेज धूप है अभी। ये तो कहो एसी चला के बैठा हूँ गाड़ी में, इसलिए पता नहीं लग रहा है टेम्परेचर कितने का है। इसमें दिखाता है 42 का टेम्परेचर, देखो 42 का दिखा रहा है। तो अभी शाम को क्या टाइम हो रहा है 5:48 पे इतना टेम्परेचर है 42 का। तो भाई इतनी टाइम ही है, तो दिन में समझ जाओ कितना टेम्परेचर होता का, दिन में बहुत तगड़ा। और यहाँ पे ऐसे ही देख रहे हो ऐसे बंदे घूमते रहते हैं, काम धाम वाले हैं जो यहाँ पे काम धाम करते रहते, वो मतलब इस हिसाब से मतलब उसी हिसाब से ऐसे ही घूमते रहते हैं बंदे यहाँ पे। तो ये है यहाँ का हिसाब किताब मेरे भाई। तो भाई रात के हो रहे हैं 9:55 और अपनी BMW आ गई है, इसकी बैटरी ये लग के आ गई है। और ये रही BMW, और अभी आया हूँ भाई सेंटर पॉइंट। ये है सेंटर पॉइंट है, ये मार्केट है एक सेंटर पॉइंट की। और यहाँ पे आया था मेरे भाई, यहाँ पे इतनी भीड़ है देख रहे हो, यहाँ पे क्या खतरनाक भाई नज़ारा, यहाँ का चेक करो आप। ये भाई इधर मेन रोड है सेंटर पॉइंट के, मलिक अब्दुल्ला वाला जो है सेंटर पॉइंट। और देख लो रात के 10 भाई, अभी यहाँ चकाचौंध है, यहाँ रोशनी है, बहुत ही खतरनाक नज़ारा है, यहाँ पर रात का ही सीन देखने वाला होता है। तो ये देख रहे हो ये मलिक अब्दुल्ला वाला जो रोड है, ये किंग यहाँ किंग इधर चला जाता है किंग फहद वाले पे। तो यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट है, अभी वहीं आया हूँ रात को यार मेरे भाई। अब यहाँ पे देखता हूँ मैडम कितने बजे, कम से कम आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए, अब देखता हूँ मैडम कितने बजे तक यहाँ निकलती है। तो भाई यहाँ का नज़ारा चेक करो, ये है सेंटर पॉइंट भाई। यहाँ पे पार्किंग वगैरह ना बहुत मुश्किल होती है। ये मर्सिडीज का ड्राइवर, ये सुडानी होगा, ये सुडानी उडानी जो है ना, ये ऐसे ही तोप पहन के भाई ये ड्राइवरी करते हैं। तो ये है यहाँ पार्किंग भाई, मिलना बहुत मुश्किल होती है। देख रहे हो यहाँ पे गाड़ियाँ घूम रही हैं, एक एक राउंड दो दो राउंड तीन तीन राउंड यहाँ पे मारती हैं भाई गाड़ियाँ, तब जाके यहाँ पे, उसके बाद ही जाके यहाँ पे पार्किंग मिलती है भाई। बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ भाई सेंटर पॉइंट में ना यहाँ पे। ये देखो भाई साहब सुडानी है, मेरे ख्याल सुडानी भाई, अपना चेहरा तो एक बार ही दिखा दो यार मेरे भाई, इधर एक बार घूम जाओ यार, घूम जाओ मेरे भाई। ये घूमेगा नहीं यार, ये घूम जा मेरे चाचा, घूम जा यार। ये है इधर का ये पूरा नज़ारा भाई, देख रहे हो यहाँ पे पार्किंग बहुत मुश्किल हो जाती है भाई, बहुत मुश्किल। तो चाचा घूम ही नहीं रहे हैं मेरे भाई, ये घूम जाए, देख रहे हो हाथ में तस्बीह वगैरह बकायदा पूरा। तो भाई ऐसे ही होता है यहाँ का हिसाब किताब, मेन चीज़ यही है।